हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल किड्स ड्रीम्स अच्छी आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लास वन का एबीएस वर्कशीट शेयर करने वाली हूं तो शुरू करते हैं वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल अबाउट मी बच्चों को अपने बारे में यहां पर सब कुछ फिल करना है इसमें नंबर ए है माय नेम इज़ डैश स्टूडेंट को अपना नाम यहाँ पर फिल करना है आई एम डैश ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट की जो एज है उसे यहाँ पर फिल करना है माई बर्थडे इज़ ऑन डैश अपना बर्थडे यहाँ पर फिल करना है आई लिव इन डैश जिस सिटी में वे रहते हैं उसका नाम यहाँ पर फिल करना है माई एड्रेस बच्चों को अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है नेक्स्ट है माई फेवरेट टॉय उनकी जो भी फेवरेट टॉय है उसका नाम यहाँ पर लिखना है माई फेवरेट कलर बच्चों बच्चे की जो फेवरेट कलर है उसे यहाँ पर फिल करना है माई फेवरेट फूड बच्चे को जो भी खाना पसंद है जो भी उसकी फेवरेट फूड है उसे यहाँ पर फील करना है माय फेवरेट एनिमल बच्चे को जो भी एनिमल पसंद है उसका नाम यहाँ पर फिल करना है क्वेश्चन नंबर टू है नेम द सेंस ऑर्गेंस विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई यहाँ पर पहले किस सेंस ऑर्गेंस से हमें क्या पता चलता है उसका नाम लिखना है और उसके बाद उस सेंस ऑर्गेंस के पिक्चर से उसे मैच कर देना है तो नंबर ए है एन एप्पल इज रेड एप्पल रेड है यह हमें किस सेंस ऑर्गेन्स से पता चलता है आइस से पता चलता है आइस से ही हम देख पाते हैं कि एप्पल रेड है तो इसे आइस से मैच कर देंगे नेक्स्ट है समवन इज़ सिंगिंग इन नेक्स्ट रूम नेक्स्ट रूम में कोई गा रहा है यह हमें किस सेंस ऑर्गन से पता चलता है ईयर्स से ईयर्स से ही हम सुन पाते हैं कि कोई गा रहा है तो इसे ईयर्स से मैच कर देंगे द कॉफ़ी स्मेल्स नाइस कॉफ़ी की स्मेल नाइस nice है यह हमें किस सेंस ऑर्गन से पता चलता है नोज से नोज से ही हम सुन पाते हैं कि कॉफ़ी की स्मेल अच्छी है तो इसे नोज से मैच कर देंगे द आइस क्यूब इज़ कोल्ड आइस क्यूब कोल्ड है यह हमें किस सेंस ऑर्गन से पता चलता है स्किन से तो इसे स्किन से मैच कर देंगे द मैंगो इज स्वीट मैंगो मीठा है यह किस सेंस ऑर्गन से हमें पता चलता है टंग से तो यहां पर टंग लिख देंगे और इसे टंग से मैच कर देंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है फील इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर वी हैव हाउ मेनी आइज टू और थ्री वी हैव टू आईज वी हैव वन और टू ईयर्स वी हैव टू ईयर्स वी हैव डैश नोज वन और टू वी हैव वन नोज वी हैव डैश हैंड्स टेन और टू वी हैव टू हैंड्स वी हैव डैश लेग्स फोर और टू वी हैव टू लेग्स यहाँ पर टू लिख देंगे करेक्ट एंसर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है वी सी विथ आवर आईज ईयर नोज टंग इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है वी सी विथ आवर आईज वी हीयर विथ आवर ईयरस वी टेस्ट विथ आवर टी फील विथ आवर स्किन विच ऑफ दिज इज़ अ सेंस ऑर्गन इसमें से कौन सा सेंस ऑर्गन है आइज स्किन टंग ऑल ऑफ दिज तो ये तीनों ही सेंस ऑर्गन्स हैं तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज में टिक कर देंगे क्वेश्चन नंबर फाइव है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट येस और नो यहाँ पर सेंटेंसेस को पढ़ कर यस और नो लिखना है तो फर्स्ट है सिया कैन प्ले फुटबॉल विथ हर ईयर्स सिया फुटबॉल अपने ईयर्स से खेल सकती है नो no. ईयर्स से हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं लेग्स से खेलते हैं नंबर बी है सुनील कैन कैरी हिज बैग ऑन हिज शोल्डर सुनील अपने बैग को शोल्डर पर कैरी कर सकता है यस नंबर सी है एनी कैन यूज़ हर बैग टू बेंड डाउन एनी अपने बैग को बेंड कर सकती है नीचे झुकने के लिए यस yes. टिमी कैन राइट विथ हिज नोज टिमी नोज से लिख सकता है नो no, हम नोज से नहीं बल्कि अपने हैंड से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है राइट डाउन विच बॉडी पार्ट्स आर इन पेयर्स एंड विच आर इन सिंगल बच्चों को इसमें इमेजिन करना है कि हमारे बॉडी में कौन सा बॉडी पार्ट टू नंबर में है और कौन सा वन नंबर में है तो टू नंबर में, तो में हमारे क्या है आइस ears hands legs and i have one nose tongue mouth head इस तरह से बच्चों को सोच कर यहाँ पर लिखना है तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने क्लास वन का आईवीएस वर्कशीट देखा आगे भी इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ